Rama. हाँ हाँ सब सब जब हमारे साथ अप्रोच होने के लिए जब उनका इनविटेशन आया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि MBCA इज अ बहुत बड़ा एक महाराष्ट्र बंगाल एसोसिएशन का एक दुर्गा पूजा का महोत्सव होता है और यहाँ पे काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज और मुंबई के प्राइम एरिया से काफ़ी विजिटर्स यहाँ पे आते हैं। तो हम चाहते थे कि हमारे प्रोजेक्ट में जो महिलाएँ रूरल एरियाज में अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, तो वो प्रोडक्ट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये दुर्गा पूजा महोत्सव में मिल सकता है। तो एक अच्छा कोलैबोरेशन हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है और हमने तुरंत MMRDA से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये लैंड अवेलेबल करके दिया और यहाँ पे जो एसोसिएशन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमारे महिलाओं के लिए 60 स्टॉल्स यहाँ पे अवेलेबल करके दिए हुए हैं।
जो ग्रामीण गरीब महिलाएं उनको उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल आउट करने के लिए और शोकेस करने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मुंबई के एक प्राइम ऑडियंस यहाँ पे विजिट करेगा, तो उनकी नज़र में भी हमारा जो प्रोजेक्ट के जो महिलाओं के प्रोडक्ट्स है वो उनके नज़र में आ जाएंगे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कुछ करता है, वो यहाँ पे हमें प्रेजेंट करने को मिल रहा है, इसकी खुशी भी है। और दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा महोत्सव यहाँ पे है, मुंबई का जो सिटीजन है वो फेस्टिवल को बहुत चाहता है, चाहे वो गणेश हो या दुर्गा हो। तो हमें आशा है कि ये दुर्गा पूजा में भी काफ़ी सारे मुंबई का बहुत सारे लेवल पे यहाँ पे इन्वॉल्व। जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो 2 साल से दुर्गा पूजा चला आ रहा है, हमने देखा था कि कुमार सानू जी करते थे और इस साल जो है ऋषभ ने टेक ओवर किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले 3 साल की जर्नी के बारे में बताएं और इस साल का दुर्गा पूजा कितना खास होगा। 2022 में निराश्री और मैं मिलकर स्टार्ट किया था, हम लोग का आइडिया था, तो कुमार सानू जी को हमने रिक्वेस्ट किया हमारे साथ आइए एज ए फेस ऑफ दुर्गा पूजा। एंड कुमार जी बहुत ही प्यारे इंसान है, लेजेंड है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का, तो उनको अच्छा लगा प्रस्ताव हमारा, हमारे साथ आए थे। तो अभी इस साल वो शायद वजह है वो बिजी है, US टूर चल रहा है तो कर नहीं पाया, तो ऋतुपर्णा जी को मैं रिक्वेस्ट किया प्लीज़ आप ज्वाइन करो हमारे साथ, तो उसको अच्छा लगा उन्होंने ज्वाइन किया। एंड उमेद को हमने रिक्वेस्ट किया, मिस्टर राहुल को रिक्वेस्ट किया सपोर्ट अस टू प्रमोट द दुर्गा पूजा एंड कल्चर। एंड उनका जो एग्जीबिशन है तो बहुत फेमस है, वन ऑफ द महालक्ष्मी सरस बहुत ही फेमस है, आप सब जानते हो कि मैं डीएम ही होता है, उनको भी हमारा आइडिया अच्छा लगा तो हमको सपोर्ट किया, उनका उनका सपोर्ट ऑफ उमेद मिस्टर राव एंड मिस्टर रिचर्ड जयवंशी सीईओ ऑफ उमेद पॉसिबल नहीं होता। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस साल का दुर्गा पूजा कितना खास होने वाला? मैंने देखा बहुत मेहनत हो रही थी जब से आप आए थे, संजय भाई दोनों मिलके बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, कितना खास होने वाला है और क्या कहना चाहेंगे? इस साल बीकेसी में हो रहा है, हमने देखा अंधेरी लोखंडवाला में होता था, लास्ट ईयर हुआ था, इस साल बीकेसी में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बीकेसी एक प्राइम पोजीशन है, ये मुंबई से सारे जगह से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये दुर्गोत्सव होना ये खास बात है। लास्ट टाइम लोग 2 साल अंधेरी में किए थे, तो दैट इज वेस्टर्न लाइन, तो ये खास होने वाला है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। ये जो MDC है दुर्गा पूजा, ये पहले साल से ही दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो हम लोग आशा रखते हैं इस साल भी सब लोग आएंगे आके विजिट करेंगे यहाँ पे और दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेंगे और माँ दुर्गा ये प्रोग्राम भी सक्सेस करेंगे, यही आशा रखते हैं। तो मैम, जो राउत सर ने जैसे कहा कि जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया वुमेन्स के लिए स्टॉल्स लगाए गए, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट, कितना इंपॉर्टेंट है? आई फील वेरी इंस्पायर्ड बिकॉज मैं भी बहुत वुमेन के लिए काम करती हूँ और बहुत सारे एनजीओ के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उम्मीद का जो उम्मीद है और उम्मीद की जो किरण महिला के लिए जो दिखाया गया है वो इतना बेहतरीन है और इतनी मतलब नोबल है कि मुझे बहुत ही इंस्पायर्ड लगा पूरी चीज। एंड आई वांट दिस वुमेन टू एक्सप्लोर एंड गेट वेरी सक्सेसफुल। और मुझे लगता है कि उम्मीद जो कर रहे हैं सब, जो मेंशन आपने किया बहुत ही इंटरेस्टिंग कि गवर्नमेंट बहुत कुछ करते हैं लेकिन ये जो 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 डिस्प्ले होता है वो कभी कभी लोग देख नहीं पाते, लेकिन आज ये जो दुर्गा पूजा के साथ जो वुमेन पावर है उसका जो डिस्प्ले है तो बहुत ही लोगों के सामने एक असली रूप देखेंगे कि इतने सारे महिलाएं कितना सारा कुछ कर सकते हैं। और जो इन्होंने प्रकल्प लिया कि छोटे छोटे इंडस्ट्री को उन लोग को इंस्पायर करके उनको एक स्वनिर्भर बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी काम होते हैं। उम्मीद इज डूइंग दिस, this is something which this is a wonderful spectacle for everyone. नया गाना तो बहुत ही मतलब हिट हो चुके हैं, अभी बहुत सारे लाइक्स हो गया, शान जी ने गाया है वो गाना और हम आई हैव फीचर्ड इन दैट। और गाना सबका दुर्गा पूजा, गाना का मर्म है कि दुर्गा पूजा मेरा नहीं आपका नहीं सबका है और सब धर्म के लोग आ सकते हैं दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा का पावर ऐसा ही होता है, माँ दुर्गा इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट। तो हम सेलिब्रेट करते हैं लेकिन ये सबका पूजा है, यही थीम है और वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो गाना इस मंडप में बहुत बार बजेगा और आप लोग सुन सकते हो और इसमें बहुत होनहार एक्टर्स भी हैं, जय शेनगुप्त है हमारे साथ और
शान जी ने, जोजू जी ने गाया है, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। और दुर्गा पूजा के टाइम हम लोग सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, गाना सेलिब्रेट करते हैं, हमारे काम सेलिब्रेट करते हैं, हमारी उम्मीद सेलिब्रेट करते हैं, हमारी जो विश्वास है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि हमारा ये जो पॉजिटिव जो स्पिरिट्स है वो लोगों तक पहुँचे। हम ऑडियंस के लिए क्या विश करना चाहेंगे दुर्गा पूजा के लिए? ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी में जो भी हो जाए, पॉजिटिविटी जो है माँ दुर्गा जो हमको देते हैं, जो पावर, जो स्पिरिट, उससे हम वो हम नहीं छोड़े, हम उसके साथ आगे बढ़े और जिंदगी को नई तरीके से रोज देखें। थैंक यू। चारों का विजुअल कर दो।